तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बना के बताया जिसमें बताया था कि ग्लेंस ऑन सैमसंग वाली जो वॉलपेपर सर्विस है वो वर्क नहीं कर रही है। इवन अगर आप उसका डेटा को वो भी क्लियर कर देंगे तो भी वो वर्क नहीं करने वाली। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों, इसको कैसे आप इनेबल कर पाएंगे, बोल सकते हैं कैसे उसको यूज कर पाएंगे। अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और वो वर्क करने लगी है। मेरे मोबाइल पर वो वर्क कर रही है, आप देखेंगे, आपको देखेंगे थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये मेरे पास ये वर्किंग करने लगी है। आगे आपको पूरा बताने वाला हूँ कैसे आप उसको इनेबल पाएंगे और कैसे उसको यूज कर पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले ग्लेंस ऑन सैमसंग वाली जो वॉलपेपर सर्विस है वो वर्क नहीं कर रही है, बट वो अब वर्क करना चालू हो गई। आप देखेंगे ये मेरा मोबाइल है, आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर वर्क करना चालू हो चुका है। अब मैं जैसा भी करूँगा तो फटाफट यहाँ पर सब कुछ चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे सब यहाँ पर वर्किंग चल रही है। तो ये आपको कैसे इनेबल करना है और कैसे इसको यूज़ करेंगे आपको बता रहा हूँ आप। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ जाना है सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको ऐप्स वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पर ऐप्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मार लेना है वॉलपेपर सर्विस। वॉलपेपर सर्विस में जाने के बाद आपको करना है यहाँ पर स्टोरेज में आना है। स्टोरेज में आने के बाद आपको करना है यहाँ पर क्लियर डेटा को। जैसे ही आप क्लियर डेटा करेंगे सब कुछ वहाँ पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर नीचे डिस्प्ले लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है वॉलपेपर सर्विस पे। वॉलपेपर सर्विस पे आने के बाद आपको ग्लेंस ऑन सैमसंग पे जाना है। यहाँ पर सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको स्टोरी पे क्लिक कर लेना है। ये थोड़ा सा 2-4 मिनट लेगी स्टोरी के लिए, तो थोड़ा 2 मिनट वेट करिएगा। स्टोरी पे क्लिक कर लेना है और उसको वहाँ पर आप ऑन कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ पर वर्क करना चालू हो जाएगा। उसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स वर्क नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स वर्क कर रहे हैं। जैसे कि वहाँ पर हिंदी न्यूज़ समाचार वाला जो टॉपिक है वो वाला वर्क कर रहा है, और उसमें कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये वापस वैसा का वैसा ही दिख रहा है पुराना वाला। जैसे कि वापस मैं आ गया हूँ टॉपिक्स पे। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हिंदी न्यूज़, और भी कोई भी जो भी आप टॉपिक्स लेना चाहें। मेरे हिसाब से इसमें 2-3 नहीं चल रहे हैं, अगर आप ऑल कर देंगे तो ऑल भी कर दीजिए, डन कर दीजिए। डन करने के बाद थोड़ी देर बाद रुकिएगा, उसको फिर अनलॉक करना, फिर आप देखेंगे ये वर्क करना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप कैटेगरीज वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे स्टोरी की, तो उसके बाद 10 मिनट बाद आप देखेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। एट ए टाइम एक्टिवेट नहीं होगा, उसके 10-15 मिनट बाद ये एक्टिवेट होगा। आप देखेंगे ये बड़े अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ से आप देखेंगे आपको जो भी सेलेक्ट करना है, सिर्फ यहाँ स्वाइप करिए तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दोबारा कोई सिलेक्ट करना हो आपको, यहाँ 3 डॉट्स पर जाना है, सिलेक्ट स्टोरी टॉपिक्स पर जाना, जो भी आपको टॉपिक चाहिए जो टॉपिक सेलेक्ट कर लेना। उसका इफेक्ट मेरे को लग रहा है कि 10 मिनट बाद आया, क्योंकि मैंने वहाँ पर 10 मिनट पहले बनाई थी वीडियो, जब तक तो आ नहीं रहा था। 10 मिनट बाद मैंने चेक करा, उसके बाद वो वर्क करना चालू हो गया। तो ये 10-15 मिनट बाद आपको वहाँ पर इफेक्ट देना चालू हो जाएगा, बट ये वर्किंग पे आ चुका है। ये आप ऐसा ट्राई करेंगे तो आपका भी हो जाएगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपका ग्लेंस ऑन सैमसंग वाला वॉलपेपर सर्विस वर्किंग पे आई या नहीं, और आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो पता है मुझे कमेंट करके, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें मेरी कुछ कमी तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो थैंक यू दोस्तों।